जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे? दोस्तों, नाभि मनुष्य का सबसे ज्यादा शक्तिशाली अंग, सबसे ज्यादा। और यदि आप महिला हैं तो आप जान ही सकते हैं, 9 महीने अपने कोख में बच्चे को नाभि के द्वारा ही भोजन प्रदान करने वाली माँ, 9 महीने बाद एक स्वस्थ बच्चा, सिर्फ एक नाभि के माध्यम से उसे सारा भरण पोषण मिलता रहता है, आप जानते ही हैं। इसी नाभि में इतनी ज़्यादा शक्ति है जिसका नाभि स्थल स्ट्रांग हो। यदि नाभि स्थल थोड़ा सा भी शक्तिशाली हो, उस व्यक्ति का भाग्य बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो जाता है। कहते हैं बड़े बड़े जो तपस्वी होते हैं अपने नाभि स्थल को इतना स्ट्रांग कर लेते हैं कि वह जो भी, जिस भी समय से, जिस भी तरह से भगवान से जुड़ना चाहते हैं, अपने इष्ट से जुड़ना चाहते हैं, अपने अंदर एक असीम शक्ति लिए हुए ब्रह्मांड से जुड़ना चाहते हैं और जुड़ जाते हैं। इसीलिए नाभि हमारे शरीर का एक ऐसा पार्ट है जिसे यदि स्ट्रांग बना लिया जाए, शक्तिशाली बना लिया जाए, तो हमारा सोया हुआ भाग्य जग सकता है। हमारी किस्मत जो बदनसीबी चल रही है, किस्मत बुलंद हो सकते हैं सितारे। बहुत ही ज़्यादा प्रबल पार्ट होता है हमारा नाभि स्थल। आज मैं जो अपने इस वीडियो में उपाय बताने जा रही हूँ, आप कैसे अपना नाभि स्थल स्ट्रांग कर सकते हैं, शक्तिशाली कर सकते हैं। यदि आप पे बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है, यदि आपका भाग्य जाग ही नहीं रहा, बहुत ही दिनों से आपके साथ कुछ अनायासा कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऐसा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, लगने लगा है कि जीवन शायद अच्छा नहीं है आपके लिए, आप यह कार्य कर देखें, आपका सोया हुआ भाग्य अवश्य जाग जाएगा। आपकी जो भी दुर्भाग्यवती दिन चल रहे हैं, जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी संकट चल रहा है आप पर, यह कार्य करने से, यह उपाय करने से आपके जीवन के संकट धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। आप गुरुवार के दिन आपको सुबह स्नान करने के बाद आप स्नान करें और थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी, गुरुवार के दिन चुटकी भर हल्दी ले लें और उसे कोई से भी तेल में, यदि तिल का तेल होता है तो बहुत ही अच्छा, सर्वोत्तम, यदि सरसों का तेल होता है तो भी उत्तम, और यदि कुछ नहीं मिले तो आप नारियल के तेल में भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा इसे तिल के तेल में माना जाएगा। आप चुटकी भर हल्दी जरा सी ले लें और तिल के तेल में घोल लें, उसे अपनी नाभि में लगा लें। आप नियम बना लें गुरुवार के दिन, आप देखना कैसा आपका भाग्य प्रबल हो जाता है। आप पर बृहस्पति देव की कृपा, आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त होती है, बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत ही सरल उपाय है। आपको ऐसा नहीं गुरुवार के दिन आप यह कर पाएं तो ठीक है, नहीं तो शुक्रवार के दिन आप गुलाब केवड़ा का इत्र जो होता है वह, क्योंकि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है और केवड़ा गुलाब जो होता है बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है माँ लक्ष्मी को, उस दिन आप अपनी नाभि में गुलाब का इत्र, रोज का इत्र लगाएं। आप देखना, यह भी आपको सुबह स्नान के बाद जरा सा नाभि में टच कराना है, थोड़ा सा। भाग्य आपको शायद विश्वास ना हो, लेकिन आप करेंगे उसके बाद ही समझेंगे। कोई भी कार्य हम करते हैं और उसका जब हमें प्रतिफल प्राप्त होता है तभी हमको मालूम पड़ता है ये हमारे लिए कितना फलदायी है। बहुत ही सरल उपाय है, सिर्फ एक नाभि को स्ट्रांग करना है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको धन दिलाने में आपकी मदद करेगा या कलह से मुक्ति दिलाएगा, आपका पूरा भाग्य बदल कर रख देगा। आपको यदि मान सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा, यह ऐसा नहीं महिला ही कर पाए, पुरुष भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। नाभि 7ों दिन के लिए आप सोमवार के दिन चंदन, आप जो सूखा चंदन आता है, पाउडर चंदन आता है, वो यूज़ ना करें, वह नकली भी आता है, इसलिए आपको इसके लिए लकड़ी लेना होगा। यदि लकड़ी मिल जाए चंदन की तो बहुत ही अच्छा, उसे घिस लीजिए और रोज़ सुबह स्नान के बाद आदत डाल लीजिए, सोमवार के दिन अपनी नाभि में लगाएं, क्योंकि भगवान शिव को, भोलेनाथ को चंदन बहुत प्रिय होता है। जब आप अपनी नाभि में इसे लगाते हैं तो भोलेनाथ की पूरी कृपा आप पर प्राप्त होने लगती है, साथ ही साथ श्री कृष्ण को भी ये बहुत ही प्रिय होता है। इसकी खुशबू से सारी देवी देवता आप पर अपना
आशीर्वाद बरसाने लगते हैं, आपके साथ हो जाते हैं। आप कर देखें। साथ ही शनिवार के दिन आप सरसों का तेल या तिल का तेल, सिर्फ दोनों में से कोई सा भी तेल आप अपनी नाभि में लगाएं, और यदि आपके पर 7.5 शनि की दशा भी चल रही है, ढैया शनि भी चल रहा है या शनि की वक्र दृष्टि भी पड़ी हुई है, तो आप पर धीरे धीरे आपकी जो समस्याएं उसके कारण चल रही हैं आपके जीवन में, धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। और यदि नहीं भी है, शनि की वक्र दृष्टि आप पर नहीं पड़ी हुई है, तो भी आप यदि आप ये करते हैं, आप ये उपाय करते हैं, आप ये कार्य करते हैं, तो आप पर शनि की कृपा प्राप्त होने लगेगी, आपको शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होने लगेगा। बहुत ही सरल, बहुत ही सुगम, आप स्नान के बाद अपना जब शरीर स्वच्छ तौलिए से पोंछते हैं, और उस समय ही आप ये यदि नाभि में जरा सा लगा लेते हैं, उसके बाद आपका पूरा दिन, आपको इसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ एक नियम बनाना है आपको, सुबह का रूटीन। आप ये काम करके देखें, ये उपाय करके देखें, श्रद्धा और विश्वास अवश्य रखें, क्योंकि बिना श्रद्धा और विश्वास के कोई कार्य संभव नहीं हो पाता। कोई भी उपाय आप करते हैं, यदि उसके प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है, आपको उस पर विश्वास नहीं है, उस उपाय पर विश्वास नहीं है, तो हो सकता है कि आपका वह कार्य ना हो या होने में विलंब हो। इसलिए हमेशा श्रद्धा विश्वास रखना बहुत आवश्यक है। साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ इसी चैनल से आपको प्राप्त होगी। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करने की कोशिश करें। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। साथ ही फिर से मैं आपसे एक बार यही कहना चाहूँगी कि आप इस उपाय को सिर्फ एक वीक रोजाना, जिस दिन कर सकते हैं, जिस दिन संभव है, जिस दिन लगे आपको कि हाँ आप कर सकते हैं। आपको हल्दी इजीली आपके घर में मिल जाती है, जो चीज़, जो वस्तु आपको सरलता से मिल जाती है, सिर्फ उसका उपाय ही शुरू करें। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ इसका रिजल्ट अच्छा है, 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, तब आप दूसरी चीज़ें बुलाएं, दूसरी वस्तुएं मंगाएं, और 7 दिन का कार्य करें, कर देखें। साथ ही दोस्तों, मैं एक और बात बता दूं कि जो आप हल्दी का मैंने उपाय गुरुवार का बताया, यदि वह उपाय आप खड़ी हल्दी से करते हैं, आप खड़ी हल्दी को थोड़ा सा घिसते हैं और फिर लगाते हैं, उसका प्रभाव ज़्यादा जल्दी असर करता है, ज़्यादा अच्छा असर करता है। क्योंकि जो हल्दी होती है, आप बाज़ार में ही पिसवाते होंगे, उसमें कुछ मिलावट हो जाती होगी, लेकिन जो खड़ी हल्दी होती है, आप एक गठान रख लीजिए, गुरुवार के दिन सुबह स्नान के बाद, ऐसा स्नान से पहले ही थोड़ा सा घिसकर रख लीजिए, उसके बाद आप उसे अपनी नाभि में लगा लीजिए। यदि नहीं कर पाए, किसी कारण से संभव नहीं है, तो आप पिसी हल्दी यूज़ कीजिए, लेकिन यदि खड़ी हल्दी से आप करते हैं तो ज़्यादा उत्तम होता है। आप एक बात और बता दूं, जो भी आप कार्य करते हैं श्रद्धा और विश्वास से करते हैं, तो वह जल्दी शीघ्र फलदायक होता है। यदि जिस बात में आपको शंका लगती है, संशय लगता है कि यह कार्य करेंगे तो क्या होने वाला है, या फायदा होगा या नहीं होगा, हो सकता है जब आप शंका रखते हैं तो वह कार्य सिद्धि में विलंब भी हो सकता है, और शायद हो सकता है कि वह कार्य आपका पूरा भी ना हो। इसलिए कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, आप संशय ना रखें, शंका ना रखें, आप विश्वास कर एक बार करके देखिए, आप देखना हमेशा हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। कर देखें श्रद्धा भक्ति के साथ। ओम नमः शिवाय।